पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक महिला का मौत का मामला काफी गर्माया हुआ है। महिला का नाम था नूर मुकादम। नूर को न्याय दिलाने के लिए अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। नूर 27 साल की थी और वो पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक शौकत मुकादम की बेटी थी। 20 जुलाई को इस्लामाबाद के एक घर में वो मृत पाई गई। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। दरअसल नूर मुकादम की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे काफी खौफनाक थे। नूर ने इस दर्द से बचने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी थी, लेकिन उसे घर में लाया गया, दोबारा से पीटा गया और फिर उसका सिर काट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसे इतनी दर्दनाक मौत देने का आरोप उसके बचपन के दोस्त जाहिर जाकिर जफर पर है। खबरों के मुताबिक नूर ने जाहिर से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने कथित तौर पर ये कदम उठाया। इस घटना ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सनसनी मचा दी थी, जहां पहले ही मानवाधिकार कार्यकर्ता महिलाओं के खिलाफ हो रहे हमलों के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। पाक में औरतों के खिलाफ यौन हिंसा एक महामारी। प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि नूर मुकादम एक राजनयिक की बेटी थी और समाज में उसके ओहदे के कारण इस मामले को इतनी तवज्जो मिली है, लेकिन इस तरह की हिंसा का शिकार होने वाली ज्यादातर महिलाएं देश के गरीब और मध्यम वर्गों में से हैं। उनकी मौत को लेकर अक्सर कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती या इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों और हिंसा की महामारी एक मूक महामारी है, जिसे कोई नहीं देख रहा और ना ही कोई इस बारे में बात कर रहा है। घरेलू हिंसा से बचने का विधेयक नहीं हुआ पारित। बता दें कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान की संसद इस महीने एक विधेयक पारित करने में विफल रही, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए था। इसमें पति द्वारा की जाने वाली हिंसा भी शामिल थी। इस साल की शुरुआत में जारी की गई ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में घरेलू हिंसा हॉटलाइन से एकमात्र किए गए आंकड़ों के पिछले साल जनवरी और मार्च के बीच हुई घरेलू हिंसा में 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लॉकडाउन में हिंसा के आंकड़ों में आई तेजी। कोविड-19 के कारण मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान तो ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान में तथा कथित शान के लिए हत्या के कई मामलों में अपराधी भाई, पिता या अन्य कोई पुरुष रिश्तेदार होते हैं। हर साल इस तरह के हजार से ज्यादा महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, उनमें से कई की शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती।